के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है पुरानी पेंशन बहाली जी और पुरानी पेंशन संगठनों का बढ़ चढ़ कर जो बहाली के लिए और निजीकरण के विरोध के लिए पद यात्रा निकाले हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम पद यात्रा का हुआ है। कोविड नियमों का पालन करते हुए अनुशासित तरीके से उसी के क्रम में है। इसके आगे हम लोग 21 नवंबर को पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण के विरोध के लिए लखनऊ में पेंशन संघनाद रैली करने वाले हैं। आज क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह से क्या है? हम पुरानी पेंशन की ही मांग के लिए संघर्षरत है। मेरा अटेवा संगठन जो है उसकी एकमात्र मांग थी पुरानी पेंशन बहाली की और निजीकरण बंद किया जाए। काफी सालों से आप लोग ज्ञापन सौंपने प्रदर्शन कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है कि अब सुनवाई होगी? जरूर, विश्वास तो यही है, हमको उनके कानों को खोलना है, उनकी आंखों को खोलना है और देखें कि कर्मचारी कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं पुरानी पेंशन के लिए। और उनको एक देश में दो विधान की जो बात करते हैं, कोई 4 पेंशन 3 पेंशन ले रहा है और कोई 25 साल 30 साल सेवा देके भी एक पेंशन नहीं पा रहा है, तो कहाँ करना है? या तो बंद करना हो तो अपना भी बंद करें, हम लोगों का भी बंद करें और पूरे इस निजीकरण के सहारे ऐसे कर्मचारियों का जिनका जीवन 20-25 साल 30 साल इस सेवा में बीत जाता है उसको छोड़ना नाइंसाफी होगी और उनके बुढ़ापे के साथ खिलवाड़ होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। पंजाब सरकार ने 2004 के बाद सभी कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर ली है, इसको कैसे देखते हैं? पंजाब सरकार पारिवारिक पेंशन बहाल की है, उसको हम लोग लड़ाई के तहत पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। वो पारिवारिक पेंशन है, पुरानी पेंशन नहीं, वो पुरानी पेंशन नहीं, पारिवारिक पेंशन है जाएगी। और क्या नाम है कि उसी क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इनको करना पड़ेगा।